الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اور بڑی عظیم الشان حدیث مبارکہ میں آتا ہے عن جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ اس کی روایت کرتے ہیں قال لما نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی حرب الغیم الی المشرق تو بادل چھٹ گئے اور سب بادل مشرق کی طرف مشرق کی سمت میں چلے گئے وسکنت الریاح اور ہوائیں بند ہو گئیں یعنی جو جکھڑ چل رہے تھے ہوائیں چل رہی تھیں وہ بند ہو گئیں وحاج البحر اور سمندر کے اندر جو تلاطم تھا ہائی ٹائٹ وہ بھی رک گیا وادغت البہائم اور جانوروں نے بھی کان لگا لیے کہ بھائی کیا خاص مسئلہ ہے کوئی ورجمت الشیاطین من السماء اور شیاطین پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ان کو رجم کیا گیا وحلف اللہ تعالی بعزته وجلاله اور اللہ تعالی نے اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم کھا کر کہا الا یسمى اسمه على شيء الا بارك فيه کہ میرا نام نازل ہوا ہے جو بندہ اس نام کو کسی کام پر پڑھے گا میں اس کام میں برکت عطا کر دوں گا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام پڑھا جائے گا جس کام کے شروع میں میرا نام پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکت عطا کروں گا چنانچہ اسلام سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے وہ ہر کام سے پہلے اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کا نام لینے سے ہمارے کام میں برکت ہو جائے گی لیکن جب اسلام آیا تو شریعت نے حکم دیا کہ نہیں تم ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لو اللہ کے نام سے برکت ہو جائے گی یہ جو بسم اللہ ہے نا اس کے 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حروف کو گنے تو بنتے ہیں 19 مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے جو داروغے ہیں وہ بھی 19 فرشتے ہیں قرآن مجید میں ہے تو بسم اللہ کے 19 حروف
उन 19 फरिश्तों की पकड़ से बंदे को बचा दें। तो जो बंदा हर काम में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निजात अता फरमाएंगे। और बाद मुफस्सरीन ने यह नुक्ता भी लिखा है कि दिन के होते हैं 24 घंटे, तो 5 नमाजों के बदले 5 घंटों के गुनाह माफ, बाकी रह गए 19 घंटे। तो अगर वो बिस्मिल्लाह का तकरार भी करता है तो 19 रूप के बदले अल्लाह 19 घंटों के गुनाह भी माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नाजिल फरमाया, लेकिन एक सूरत ऐसी है उसका नाम है सूरह तौबा। उससे पहले अल्लाह ने सूरह यानी बिस्मिल्लाह को नाजिल नहीं किया। आप कुरान मजीद पढ़ें तो देखेंगे कि पिछली सूरत और उस सूरत के दरमियान बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती। उसकी वजह क्या है कि सूरह तौबा में मुशरिकीन के साथ किताल का हुक्म है, काफिरीन के साथ। अब अल्लाह के किताल का कोई जोड़ नहीं बनता अल्लाह की रहमत के साथ, इसी अल्लाह ने उससे पहले सूरह बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसलिए जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, मगर ये नहीं पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अर्रहमान अर्रहीम का जोड़ ज़िबा करने के साथ नहीं बनता, इसलिए तकबीर कह दी गई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, इतना ही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि जो कुछ पहले आसमानी किताबों में नाजिल हुआ अल्लाह ने वो सब कुछ कुरान मजीद में नाजिल फरमा दिया, और जो कुछ पूरे कुरान मजीद में नाजिल हुआ वो अल्लाह ने सूरह बकरा में नाजिल फरमा दिया, और जो सूरह बकरा में नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको सूरह फातिहा में नाजिल फरमा दिया, और जो कुछ अल्लाह ने सूरह फातिहा में नाजिल किया उसको अल्लाह ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में नाजिल फरमा दिया। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक आयत है, लेकिन ये तमाम आसमानी किताबों का खुलासा और निचोड़ है। और उलमा ने एक नुक्ता और लिखा है कि जो कुछ बिस्मिल्लाह में नाजिल हुआ वो बिस्मिल्लाह के पहले हर्फ बा के अंदर आ गया। बा का हर्फ जो है वो वसल के लिए होता है, जोड़ने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि पूरी आसमानी किताबों का निचोड़ ये है कि मखलूक को अपने रब के साथ जोड़ दिया जाए। इसलिए बिस्मिल्लाह के दो मानी हैं अरबी जबान में, इस्म के दो मानी हैं। एक माना है नाम, तो बिस्मिल्लाह का तर्जमा बनेगा अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक इस्म का मतलब अरबी जबान में बरकत भी है, तो बिस्मिल्लाह का तर्जमा बनेगा अल्लाह की बरकत के साथ। हमें याद है कि हमारे घर में जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी ना पुराने जमाने की, वो उठते बैठते अल्लाह की बरकत नाल अल्लाह की बरकत नाल ये लफ्ज़ बहुत पढ़ती थी। छोटे थे हमें इस बात की समझ नहीं थी, अब समझ में आती है। असल में वो बिस्मिल्लाह का तर्जमा पढ़ा करती थी अल्लाह की बरकत के साथ, बिस्मिल्लाह कहती थी हर काम से पहले। उनकी ज़बानें बिस्मिल्लाह से रतबुल लिसान बिल्कुल तर रहती थी हर वक्त, उठते बैठते करते फिरते हर वक्त बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक नुक्ता और ध्यान में रखिए कि कुरान मजीद तो पाक बंदा पढ़ सकता है, अगर किसी पर गुसल फ़र्ज हो जैसे जुनबी बंदा होता है तो वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकता, या औरत हैज़ के अय्याम में कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती। लेकिन फुकहा ने लिखा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। कितनी अजीब बात है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो कुरान की आयत है मगर इसको पढ़ा जा सकता है। तो एक खातून थी अमरा फरगानिया, एक वादी है उसका नाम है फरगाना वादी, उसमें बड़े उलमा हुए हैं, अंदजान मरगिनान ये वहाँ के शहर हैं। हिदाया जिन्होंने लिखी काजी बुरहानुद्दीन अल मरगिनानी रहमतुल्लाह ये भी वहीं से थे। तो अमरा फरगानिया से किसी ने पूछा
कि क्या वजह है कि औरत हैज के दिनों में कुरान मजीद की तिलावत तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहे तो बिस्मिल्लाह पढ़ सकती है। उन्होंने जवाब दिया कि असल में बिस्मिल्लाह जो है ये अल्लाह का नाम है, और कोई भी मुहिब किसी भी हालत में महबूब का नाम लेने से रोका नहीं जा सकता। ये नहीं कह सकता कि अब तुम महबूब का नाम नहीं ले सकते, जिस हाल में भी होगा वो महबूब का नाम तो ले सकता है, इसलिए बिस्मिल्लाह की अल्लाह ने इजाजत फरमा दी। इसलिए कोई तहरीर करनी हो तो पहले बिस्मिल्लाह लिखना चाहिए। हदीस मुबारक में अनस से अनस के रावी हैं कि मन कतब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ताज़ीमन लिल्लाहि गफरल्लाहु लहु, कि जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह के नाम की ताज़ीम की वजह से उसको लिख लेता है अपनी इबारत से पहले, अल्लाह इस पर उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देते हैं। अबू हुरैरा ने रवायत करते हैं, ये दूर मंसूर की रवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन ला युब्दा फीह बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अक़ताउ, कि हर अच्छा काम जो बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू किया जाए तो वो बरकत से खाली हो जाता है अच्छा काम लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी अब उसमें बरकत ख़त्म हो गई। बिस्मिल्लाह की अजमत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि कुत्ता एक नजिस जानवर है। हदीस पाक में आता है जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता, इसलिए शिकार की नीयत से कुत्ते को पालने की इजाज़त है या हिफाजत की नीयत से, मगर उसको घर के बाहर रखा जाए, घर के अंदर न दाखिल किया जाए। अगर घर के अंदर कुत्ता आ गया तो घर में से बरकत ख़त्म हो जाएगी, फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे। तो कुत्ता इतना नजस जानवर है, नबी रसूल ने इरशाद फरमाया अगर किसी बर्तन को कुत्ता सूंघ ले तो उस बर्तन को 7 मरतबा पानी से धोएं और 8वीं मरतबा उसको मिट्टी और रेत के साथ धोएं ताकि उसकी नहुसत बरकत ख़त्म हो जाए। अब जिस कुत्ते के सूंघने से बर्तन को 8 मरतबा धोना पड़ता है वो कितना नजस होगा, लेकिन हदीस पाक में आता है कि अगर शिकार के लिए कुत्ता पाला हुआ है, पहले ज़माने में खरगोश का शिकार करते थे कुत्तों के ज़रिए से, तो नबी ने फरमाया कि अगर कोई बंदा शिकारी कुत्ते को छोड़ना चाहता है शिकार के लिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको रवाना करता है और वो कुत्ता मरा हुआ शिकार लेके आता है, यानी पकड़ने में वो मर गया शिकार, वो खरगोश मर गया, अब वो मरा हुआ जानवर भी है वो बंदे के लिए हलाल होता है क्योंकि उसके ऊपर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी। अदी बिन हातिम हातिम ताई के बेटे थे, सहाबी बन गए। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं कभी कभी शिकार करता हूँ लेकिन मैं जब अपना कुत्ता छोड़ता हूँ ना शिकार के ऊपर तो मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ, मगर उसके साथ जंगली कुत्ते भी शामिल हो जाते हैं शिकार को पकड़ने में तो शिकार मर जाता है, अब क्या मेरे लिए उस शिकार को खाना जायज़ है? तो नबी सान फरमाया नहीं जायज़ नहीं, इसलिए कि उन कुत्तों के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी गई इसलिए उनका शिकार हलाल नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए बिस्मिल्लाह की बरकत का कि एक कुत्ते इतना नजस जानवर बिस्मिल्लाह पढ़ के शिकार के लिए छोड़े तो उसका मरा हुआ जानवर भी शरीयत ने हलाल करार दे। चुनाचे बिस्मिल्लाह की वजह से अल्लाह ताला बंदे की मुश्किलात को ख़त्म कर देते हैं। हुज़ूर सम ने हज़रत अली आनो को फरमाया, अला उअल्लिमुका बिकलिमात इज़ा वक़त फ़ी वर्तन कुलतहा, ए अली मैं आपको कुछ कलिमात न सिखाऊं कि जब तुम मुश्किल में पड़ जाओ तो उन कलिमात को पढ़ लिया करो। आला बला अर्ज़ किया, यह अल्लाह के हबीब सम आप मुझे ज़रूर सिखाइए। तो नबी रसूल ने फरमाया कि जब तू किसी मुश्किल में पड़ जाए फ़क़ाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम,
जब भी तू किसी मुश्किल में पड़ जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाकर और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम इन कलिमात के पढ़ने से अल्लाह तेरी मुश्किलात को दूर फरमाएंगे। अब ये अमल किसी एक आम पीर ने नहीं बताया, दुनिया के पीरों के सरदार, दुनिया के नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, ये अमल उन्होंने बताया है तो कितना सच्चा और पक्का अमल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस अमल को बल्ले बांध लें। जब कोई मुश्किल पेश आए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम ये पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर कर देंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जैसे सिर्फ दुनिया की मुश्किलात दूर नहीं होती, आखरत की मुश्किलात भी दूर होती हैं। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो उनको कशन पता चल जाता था कि कब्र में क्या हो रहा है। वो एक मरतबा एक कब्र के करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कब्र में बंदे को अजाब हो रहा है। जब वापस हुए तो उन्होंने देखा कि कब्र तो जन्नत का बाग बनी हुई है, तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह पहले मैंने देखा था तो ये जहन्नम का गढ़ा था, अब मैं देख रहा हूँ तो ये जन्नत का बाग है, ये मामला क्या है, मेरे ऊपर खोल दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम, एक बंदे की कब्र है जो बड़ा गुनाहगार था, जब वो फौत हुआ उसकी बीवी हामला थी उस वक्त, तो चूंकि वो गुनाहगार था उसको हमने कब्र का अजाब दे दिया। अब उसकी बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ उसको पढ़ाने के लिए मदरसे ले गई और कारी साहब को कहा कि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाओ। आज उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उसके मासूम मुंह से जो बिस्मिल्ला निकली तो मेरी रहमत ने गवारा किया कि मासूम बच्चा तो बिस्मिल्ला पढ़े और मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूँ, मैंने उसकी बाप को जन्नत का बाग बना दिया। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि जब कोई बच्चा बिस्मिल्ला पढ़ना सीखता है अल्लाह चार बंदों की मगफरत फरमाते हैं बिस्मिल्ला सीखने पर। एक बच्चे की मगफरत हो जाती है, एक पढ़ाने वाले की मगफरत हो जाती है और एक बच्चे के माँ बाप, उन दोनों की मगफरत हो जाती है। बिस्मिल्ला के सीखने पर अल्लाह चार बंदों के गुनाहों की मगफरत फरमा देते हैं। तो इसलिए ये बिस्मिल्ला हमें सिर्फ दुनिया की मुश्किलात से ही नहीं बल्कि कब्र के अजाब से और जहन्नम की आग से भी बचाने का जरिया है। चुनाचे उलमा ने लिखा है कि बिस्मिल्लाह जो है ना, ये इसमें आजम है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई दुआ की जाए इसमें आजम के साथ तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अब इसमें आजम कौन सा है ये किसी को नहीं पता, अल्लाह ने उसको छुपा लिया, मगर इमाम आजम बोली पर हम फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला का जो इसमें ज़ात है ना अल्लाह, ये इसमें आजम है। तो किसी ने पूछा जी कि आपके पास दलील क्या है इसमें आजम, तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में सबसे पहले जो नाम नाजिल किया वो अल्लाह का नाम था। आप देखें आउज़ बिल्ला पढ़े तो पहला नाम कौन सा आता है, बाकी सिफाती नाम बाद में, और ज़ाती नाम आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह का नाम सबसे पहले। उनका चूंकि अल्लाह का नाम सबसे पहले पढ़ा जाता है इसलिए ये इसमें आजम है। उनका जी कोई और दलील दें, उनका दलील ये है कि हदीस पाक से साबित है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म फरमाया हुआ है कि जब भी मेरे किसी बंदे के नाम से मेरा जबान की जुबान से मेरा नाम निकले तो जब भी तुम वे नाम सुनो
तुम क़यामत का जो सूर बजाना है इसको 40 साल पीछे हटा लिया करो। यानी अल्लाह का नाम इतनी बरकत वाला है कि जो बंदा अल्लाह कहता है तो क़यामत 40 साल पीछे चली जाती है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो नाम इतनी बरकत वाला है कि क़यामत जैसी मुसीबत को 40 साल के लिए टाल देता है, अगर हम अल्लाह के नाम को कसरत के साथ पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ क्यों नहीं टल जाएंगी। बस इंसान शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह का नाम पढ़े। हदीस मुबारक में ला तक़ूमु सा, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती, हत्ता युक़ालु फ़िल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह, हत्ता के ज़मीन में कोई एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा। जब तक अल्लाह का नाम दुनिया में रहेगा क़यामत नहीं आ सकती। क़यामत का आएगी जब अल्लाह का नाम लेने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तब क़यामत आएगी। तो अल्लाह का नाम इतनी बरकत वाला है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि हदीस पाक से भी साबित होता है कि इसमें आज़म है। आगे सवाल पूछने वाले भी फुकहा थे, आलिम थे, उनका नहीं जी कोई सिक्का बंद दलील दें कि बंदा का दिल मुतमिन हो जाए। तो इमाम साहब ने कहा अच्छा सिक्का बंद दलील यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर पर गए तो उस वक्त उनको पता नहीं था कि यह आग क्या है। अल्लाह ने खिताब फरमाया और अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया, इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। अगर कोई और नाम इसमें आज़म होता तो अल्लाह उस नाम से अपना तारुफ करवाते। अल्लाह ने तारुफ में कहा कि मेरा नाम अल्लाह है, इसका मतलब है कि यही इसमें आज़म है। अभी ऐसी दलील थी कि सब उलमा ने मान लिया कि वाकई अल्लाह का नाम इसमें आज़म है। चुनांचे अल्लाह अल्लाह के नाम से जो दुआ मांगी जाए वो दुआएं कबूल होती हैं, और अल्लाह का नाम जिस चीज़ पर पढ़ दिया जाए वो चीज़ में बरकत आ जाती है। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बांदी थी, वो एक दिन पूछने लगी कि हज़रत आप किस जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका मैं इंसान हूँ। कहने लगी नहीं मुझे नहीं लगता कि आप इंसान हैं, आप कोई और हैं। उनका नहीं नहीं मैं इंसान हूँ, तुम्हारे जैसा इंसान ही हूँ। उसने कहा इसलिए कि मैं 40 दिन से आपके खाने में जहर मिला के आपको खिला रही हूँ और आप पे कोई असर नहीं होता, आप इंसान नहीं हैं। उनका नहीं मैं इंसान हूँ लेकिन मेरी आदत है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की बताई दुआ पढ़ लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मे ही शैयुन फिल अर्ज़ वला फिस समा वह हुव समीउल अलीम, इसकी बरकत से अल्लाह मुझे खाने की नुकसानदेह चीज़ों से महफूज फरमा लेते हैं। और यही वाक़या खालिद बिन वलीद लानों के साथ पेश आया कि एक मरतबा दुश्मन ने अपने एक नुमाइंदा भेजा जिसके पास जहर की एक बोतल थी, छोटी सी शीशी थी। उसने कहा जनाब आप हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते, इसलिए कि ये एक जहर है, इसका एक कतरा भी अगर कोई बंदा पी ले तो वो बच नहीं सकता, और हमने अपनी तलवारों की धार पर ये जहर लगाई हुई है, इसलिए अगर उसका छोटा सा कट भी कहीं लग जाए तो वो बंदा कट की वजह से नहीं जहर की वजह से मर जाता है, आप हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। जब उसने ये बात कही तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया अच्छा ये जहर की शीशी मुझे दिखाओ। वो हाथ में ली और आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मे ही शैयुन फिल अर्ज़ वला फिस समा, और पूरी जहर की बोतल आपने पी ली और अल्लाह ने उनको महफूज रखा। यानी जिस नाम की बरकत से जहर के असरात भी बंदे को नुकसान नहीं दे सकते तो बाकी चीज़ें क्या नुकसान देंगी। इसलिए हमें चाहिए कोई चीज़ पीनी हो या खानी हो तो बिस्मिल्लाह उससे पहले ज़रूर पढ़ा करें ताकि उस चीज़ के नुकसान से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। चुनांचे उस्मान इब्ने अफ़ान नाम से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो नाम है ये इसमें आज़म है। उनका अल्लाह के बिन ये इसमें आज़म है, फरमाया हाँ इसमें और इसमें आज़म में ऐसा ताल्लुक है जैसे आँख की सफ़ेदी और आँख की स्याही के अंदर होता है। अब आँख की सफ़ेदी और आँख की स्याही आपस में मिली हुई है, आप अपनी आँख में देखें,
स्याही और सफेदी मिली हुई है, तो इसका मतलब ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट नहीं बताया, चूंकि अल्लाह ताला राज रखना चाहते थे, लेकिन हिंट दे दिया कि बिस्मिल्लाह और इस्म आज़म में बहुत कुर्ब है। तो बहरहाल अल्लाह का नाम इस्म आज़म है। चुनाचे अलामा कलूबी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक औरत थी और उसका खाविन जो था वो बहुत ज़्यादा क्रख्त मिजाज का था। वो मौके ढूंढता था कि मैं किसी तरह अपनी बीवी को जलील और रुसवा करूं, परेशान करूं, डांट डपट करूं, मारपीट करूं। एक मरतबा उसके पास कुछ पैसे थे, उसने वो थैली अपनी बीवी को पकड़ा दी और कहा कि इनको महफूज रख देना। उस औरत की आदत थी कि जो काम करती थी वो बिस्मिल्लाह पढ़ के करती थी, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। चुनाचे उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और अलमारी के अंदर वो थैली रख दी। अब बेचारी को क्या पता था कि मेरे खामिन की नीयत क्या है। खामिन ने जब देखा कि औरत दूसरे कमरे में है, उसने वो थैली उठाई और उसके जो पैसे थे, कॉइन थे, उसने वो अंदर एक कुआं था घर के अंदर, उस कुएं के अंदर फेंक दिए और खाली थैली उसने वापस रख दी। उसका मतलब ये था कि अब मैं इसको कहूंगा मेरे पैसे वापस लाओ, ये कहेगी पैसे नहीं तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा, मैं फिर डांट डपट करूंगा, इसको जलील रुसवा करूंगा। औरत बेचारी को क्या पता था। अब दो तीन दिन के बाद खाविन ने उसको बुलाया और कहा, देखो मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे ना, मुझे ज़रूरत है, पैसे वापस लाओ। चुनाचे वो औरत गई, उसने जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ के अलमारी का दरवाज़ा खोला। कहते हैं कि जब उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि मेरी और मेरी इस बंदी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, आप जाएं और कुएं से वो सारे पैसे निकाल के उसकी थैली में वापस कर दें। तो जब उसने देखा तो थैली में पैसे थे, उसने लाकर अपने खामिन को दे दिए। इस वाक्य के बाद खामिन जो उसके साथ बुग्ध रखता था वो ख़त्म हो गया, बल्कि खामिन जो था वो नेकी की ज़िंदगी इख्तियार कर गया। अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह की बरकत से उसको खामिन की परेशानी से भी महफूज फरमा लिया। बिस्मिल्लाह में हर दर्द के लिए शिफा मौजूद है। चुनाचे कैसर रूम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा। उस वक्त तो मुसलमान बहुत ज़्यादा सिविलाइज और बड़ी पावर समझे जाते थे, तो कैसर रूम ने ख़त लिखा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कि मुझे सर में हर वक्त दर्द रहता है, जैसे शेटी का पेन होता है ना, आधे सर में दर्द होती है, उसके सर में हर वक्त दर्द रहता था। उसने कहा कि अगर आपके पास कोई इसका इलाज हो तो मुझे भेज दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक टोपी भिजवाई और फरमाया कि इस टोपी को सर पे कर लिया करें, आपके सर की दर्द दूर हो जाएगी। चुनाचे वो टोपी जब सर पे करता, जितनी देर करता दर्द ख़त्म हो जाती, जब टोपी उतारता दर्द फिर शुरू हो जाती। अब एक दिन उसने सोचा कि इस टोपी में क्या मकनतीसियत है। चुनाचे उसने टोपी को उतार के देखा तो उसके अंदर की तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ था। इस आयत की बरकत से अल्लाह उसके सर के दर्द को खत्म फरमा देते थे। चुनाचे साहबे कराम बीमार बंदे को बिस्मिल्लाह पढ़ के दम किया करते थे। हदीस पाक में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, आयशा ने रवायत करती हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कई मरतबा आते और नबी अलैहिस्सलाम बीमार होते तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया करते थे। ये एक ऐसा अजीम अमल है कि जो हमारी सब बीमारियों, सब दर्दों, सब मुसीबतों के लिए तरियाक है। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस ने नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत की, अल्लाह के हबीब सल्लम, में जब से मुसलमान हुआ हूँ तो मेरे जिस्म में दर्दें रहती हैं, इधर दर्द इधर दर्द। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें जिस जगह पे दर्द हो तुम हाथ रख कर उसके यानी जगह पर हाथ रख के बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारे दर्द को ख़त्म कर देगा।
چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما لیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی اسلم، ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا لیا کرے، ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں، بیماری کا دم بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نار وَمِن شَرِّ حَرِّ النَّارِ اخرجہ الترمذی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ احد کے موقع پہ حضرت اللہ علیہ السلام کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زبان سے آہ نکلی، جیسے زخم لگتا ہے نا تو آہ بندہ کرتا ہے آہ، تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرائیت بنا اکل لذی ون اللہ لکا فی الجنت وانت فی الدنیا، اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا۔ اگر تو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو یہ بسم اللہ ایسا عمل ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا تاس الشیطان، شیطان برباد ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے، وہ موٹا ہو جاتا ہے سن کے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تکلیف پہنچی، وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ تم پڑھا کرو بسم اللہ، جب تم بسم اللہ کرو گے تو شیطان خوش یعنی کمزور ہو کے چیونٹی جیسا بن جائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر لگنے پر، تکلیف پہنچنے پر ہم اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا الگ نہیں، میرے ہاتھ سے بہت ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ، ہر وقت کبھی کوئی کبھی کوئی، اور میں بڑا پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب گھر سے نکلا کرو تو یہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، یعنی میرے اوپر بسم اللہ، میرے اہل کے اوپر اور میرے مال کے اوپر بسم اللہ، تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس صحابی نے جب سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد زندگی بھر ان کا کوئی حادثہ نہیں ہوا، اللہ نے حادثے سے ان کی حفاظت فرما لی۔ اس لیے بسم اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کپڑے اتارنا چاہے، جیسے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں، نہانا ہوتا ہے، تو کپڑے اتارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اگر وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے گرد ایک دیوار بنا دیتی ہے، جیسے کنات آ جاتی ہے نا تو بندہ دوسروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو بسم اللہ پڑھنے سے ایک کنات سی بن جاتی ہے اور اس کو جن شیاطین نہیں دیکھ سکتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو وہ ان کے ڈر یعنی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی جن کا اثر ہو گیا، بھائی ہونا تو تھا ہی صحیح، آپ نے کپڑے بدلے بسم اللہ پڑھی نہیں،
अगर करीब कोई जिन होगा तो उसको गुस्सा आया होगा कि मेरे सामने क्यों ये कपड़े नंगा हो रहा है, तो उसने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हर दुख दर्द से बचने का अमल बता दिया। वो हमारे मुहसिले हकीकी हैं, बातें नजर आती हैं सादा सी और छोटी सी, लेकिन अगर हम उनको अपना लें तो बड़ी बड़ी मुसीबतों से हम बच सकते हैं। चुनांचे जो बंदा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे तो उसको चाहिए कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले। दुआ है बिस्मिल्लाह जन्नब न शैतान व जन्नब शैतान अमार दख्तना। हदीस पाक में आता है कि अगर उसने ये दुआ पहले पढ़ ली और फिर बीवी को हाथ लगाया तो अब अगर हमल ठहर गया तो इस हमल में शैतान का कोई हिस्सा नहीं होगा, लिहाजा वो बच्चा फितरी तौर पे नेक होगा, बचपन से नेक होगा। अब कितने शादीशुदा लोग हैं जिनको इस दुआ का पता ही नहीं है, कभी पढ़ी नहीं है। जब दुआ ही नहीं पढ़ी तो फिर इस अमल में शैतान भी साथ शरीक हो जाता है, और जिसकी घुट्टी में शैतान शामिल हो गया फिर वो बच्चा तो पैदाइशी तौर पे शैतान होगा। फिर आप क्यों कहते हैं जी कि बच्चे नाफरमान हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं मानते? हमने भी तो अपने रब की बात नहीं मानी जिसके नतीजे में आज बच्चे हमारी बात नहीं मानते। नबी इस्लाम ने इशारत फरमाया, जाबिर अब्दुल्ला रजलानों की रवायत है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब रात को सोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे बंद करो, यानी अपने दरवाजे जो घर के बंद करने हैं ना, औरतें आमतौर पर बंद करती हैं घर के दरवाजे, तो औरतों को ये अमल सिखाना चाहिए कि वो घर के दरवाजे बंद करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। चूँकि जो दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया जाता है शैतान वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता, शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकता फिर। और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने पानी के मशीजे का मुंह बांध लिया करो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बर्तन ढांप लिया करो, और अगर ढांपने के लिए कोई चीज़ ना मिले तो बर्तन के ऊपर लकड़ी रख दिया करो और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी लाइटों को चिरागों को बंद कर दिया करो। अगर तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के ये सारे काम करोगे तो रात को कोई शैतान घर में दाखिल नहीं होगा, उस घर में कोई गुनाह नहीं होगा और उस घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। आज देखिए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो हमारे घरों में दिन रात गुनाह हो रहे होते हैं। एक और रवायत सुनिए, हजरत अनस नाम इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जब कोई आदमी घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेता है, उसको कहा जाता है कि तुम्हें हिदायत दी गई और तुम्हारी तरफ से शर की किफ़ायत की गई और तुम्हें मसाइब से बचा लिया गया। यानी अल्लाह उसके बारे में फरमाते हैं कि इस बंदे को हिदायत दी गई, इसको शर से बचा लिया गया, तो शैतान उससे दूर हट जाता है। शैतान कहता है मैं इस बंदे का जब कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तो मैं इसका पीछा किस लिए करूं? तो देखिए घर से निकलते हुए दुआ पढ़ने से इंसान शैतान के दाव से बच जाता है। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा घर में दाखिल होने लगता है अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो शैतान उसके साथ उसके घर में दाखिल होने लगता है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद शैतान का रास्ता बंद हो जाता है और शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता, और अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर घर में दाखिल हो जाए तो वो अकेला घर में नहीं दाखिल होता बल्कि उसके साथ शैतान भी दाखिल हो जाता है। और अगर वो बंदा खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो शैतान उसके खाने में शामिल नहीं हो सकता। अब जिसने दोनों मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो न शैतान उसके घर में दाखिल हो सकता है न शैतान उसके खाने में शरीक होता है। तो शैतान कहता है मैंने इस घर में क्या करना?
न मैं इस घर में दाखिल हो सकता हूँ, न मैं इस घर में खाना खा सकता हूँ, तो मेरे लिए न रहने की जगह न खाने की जगह, लिहाजा मेरा इस घर से कोई सरोकार नहीं है। देखो शैतान को रोकने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या प्यारी प्यारी बातें में सिखाई हैं। इसलिए जो बंदा बाजार में दाखिल होने लगे वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो बाजार का जो शर है उससे अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमा देते हैं। इसी हदीस पाक में आता है कि इंसान खाने से पहले अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो शैतान उसके खाने में उसके साथ शरीक नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम एक मर्द दस्तरखान पर बैठे थे तो एक छोटी बच्ची आई और उसने आके खाने में हाथ डालना चाहा तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको रोक लिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाने से पहले शैतान अपना एजेंट भेज देता है कि वो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाने में हाथ डाल दे और बाद में शैतान भी खाने में शरीक हो सके। इसलिए जब खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो ताकि शैतान उसमें शरीक ना हो सके। चुनाचे वाकया किताबों में लिखा है कि दो शैतान आपस में मिले, एक बड़ा मोटा ताज़ा था, मुस्टंडा था और दूसरा बहुत ही दुबला पतला था। तो उसने पूछा मुस्टंडे ने कि सुनाओ भाई तुम क्यों इतने कमजोर हो? उसने कहा यार मैं जिस बंदे के साथ हूं ना वो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल होता है तो मैं उसके घर में दाखिल ही नहीं हो सकता। फिर वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाता है, मैं उसके खाने में शरीक ही नहीं हो सकता। न मुझे रहने की जगह मिलती है, न मुझे खाना मिलता है, तो मेरे कमजोर ही होने हैं ना। तो इस पर जो मोटा शैतान होता है ना वो कहका लगाता है और कहता है कि अच्छा मैं तो एक काफिर के साथ रहता हूँ, उसको बिस्मिल्लाह का पता ही नहीं, मैं उसके घर में भी उसके साथ दाखिल होता हूँ और मैं उसके खाने में भी शरीक होता हूँ, और जब वो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है मैं भी उसकी बीवी के साथ हमबिस्तरी में शरीक होता हूँ, इसलिए उसकी औलाद नाफरमान पैदा होती है। तो बिस्मिल्लाह को भूलने से कितने नुकसान हम उठा लेते हैं। इसलिए खाने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मोमिन और काफिर के शैतान की जो मुलाकात है ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद नाम के एक सहाबी हैं वो फरमाया करते थे। इसलिए सोते वक्त इंसान को बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम जब रात को बिस्तर पर पहुँचते तो दुआ मांगते बिस्मिल्लाह वदअतु जंबी अल्लाहुम्मा अग़फिर जंबी व अख्सी शैतानी व फक्कुर रेहानी व असल वस्कुल मीधानी वजालनी फिन नदी आला। एला मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे शैतान को जलील कर दे, मेरी गर्दन छुड़ा दे, मेरे मीज़ान को भारी कर दे और मुझे फरिश्तों की आला जमात के साथ खड़ा कर दे। कितनी प्यारी दुआ है अगर हम इसको याद करके रात को पढ़ लिया करें। इसलिए रात को सोते वक्त की छोटी दुआ है ना बीसवीं का अमूत हुआ है अल्लाहुम्मा बीसवीं का अमूत हुआ आया, तो अल्लाह के नाम के साथ मैं सोता हूँ और मैं जागता हूँ। नबी साहब ने शायद फरमाया ला वुज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मिल्लाह, उस बंदे का वुज़ू ही नहीं होता जो बिस्मिल्लाह से वुज़ू की इब्तदा न करे। जैसे फरमाया ना कि हुज़ूर क़ल्ब के बगैर नमाज नहीं होती, ऐसे नबी साहब ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर इंसान का वुज़ू ही नहीं होता, यानी वुज़ू की बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए सवारी पर सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ अता फरमाया था बकालर कबूफी हा बिस्मिल्लाह मजरे हा व मुरसाहा इन रब्बी लगफूरुर रहीम, तो वो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे। अल्लाह की शान कि उनकी कश्ती इतने बड़े सैलाब के अंदर से निजात पा गई। तो उलमा ने नुक्ता लिखा है अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह के लफ्ज़ के साथ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इतने बड़े सैलाब से निजात पा जाती है तो हम अगर पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे हमारी ज़िंदगी हमारे परेशानियों के सैलाब से क्यों नहीं निजात पाएगी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी आयत अता फरमाई
انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چنانچہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، ہوا ان کا تخت اڑا کے جہاں چاہتے تھے وہاں لے جا کے نیچے اتار دیا کرتے تھے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا طاقتور عمل ہے کہ ان کا تخت اتنا بھاری تھا، لشکر ہوتا تھا ان کے ساتھ، وہ پورے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی اور سینکڑوں میل دور ہوائی جہاز کی طرح اس کو جا کے اتار دیا کرتی تھی۔ اگر بسم اللہ کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو پرواز مل سکتی ہے تو کیا نبی علیہ السلام کے امتی کو بسم اللہ کی وجہ سے روحانی پرواز نہیں مل سکتی؟ تو ہمیں بھی روحانی پرواز مل سکتی ہے اگر ہم اس عمل کو پکا کرنے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو وہ بسم اللہ پڑھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم اپنے میت کو قبر میں اتارنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے میت کو قبر میں اتارو گے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ قبر کا عذاب معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا نام اللہ کو بہت پسند ہے، چنانچہ ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا بشر، وہ نشئی تھے اور ایک دن آدھا نشہ آدھا ہوش کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے کہ کاغذ پر تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ زمین کے اوپر پڑا ہے۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا، اس کو جھاڑ کے صاف کیا اور اس کو اوپر کسی جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ نے ایک ولی کو الہام فرمایا کہ بشر کو جا کر کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر اونچا کیا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک اونچا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ امت کے بڑے اور جامع سے گزرے اور ان کا نام بشر حافی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نام کی عزت کرنے پر اور اس نام کے قدر کرنے پر، اس کا ذکر کرنے پر ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا میں کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کے اندر پانچ عادتیں ہوں، اب یہ عمل سن لیں اور اس کو پکا کر لیں اپنا، جس بندے کے اندر پانچ عادتیں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سعادت مند بنا دیں گے۔ جس بندے میں پانچ عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سعادت مند بنا دیں گے۔ یہ عمل کون بتا رہا ہے؟ ایک صحابی رسول بتا رہے ہیں، پکا عمل ہے۔ فرماتے تھے کہ جو بندہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہو، پہلی عادت، پھر دوسری عادت وقتاً فقتاً لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، یعنی دن کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے دفتر میں، دکان پہ، گھر میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا تکرار کرتا رہتا ہو، دوسری عادت یہ، اور تیسری عادت کہ جب کوئی اس کو مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملے تو نعمت کے حصول کے وقت الحمدللہ رب العالمین پڑھے۔ آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو الحمدللہ پڑھیں، بیٹے کو دیکھیں الحمدللہ پڑھیں، بیوی کو دیکھیں الحمدللہ پڑھیں، یہ سب نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، تو جب بھی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، اور جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفر اللہ ضرور پڑھے۔ نظر کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو تو گناہ کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ہی ڈال لیجئے۔ جس بندے میں یہ پانچ عادتیں ہوں گی اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی سب سعادتیں عطا فرما دے۔ جب بسم اللہ پڑھنے پر ہمارے اتنے کام سنورتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ کو اپنی عادت ہی بنا لیں۔ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا، شاید یہ محمد نافع کی عمر کا تھا، تو میری والدہ مجھے ایک واقعہ سنایا کرتی تھی۔ فرماتی تھی کہ ایک آدمی تھا، اس نے پسند کی شادی کی
और पसंद की शादी करते के बाद वो अपनी बीवी का गुलाम बन गया, जो बीवी कहती थी वही करता था। हत्ता के बीवी ने कहा कि माँ बाप को छोड़ देते, उसने अपना अलग घर बना लिया। फिर एक दिन बीवी की मोहब्बत में वो बहुत डूबा हुआ था, तो बीवी ने उसे कहा कि मैं तो तब जानूं अगर तुम अपनी माँ को कत्ल करो और उसका दिल मेरे पास लेके आओ। वो उसकी मोहब्बत में ऐसा अंधा हुआ हुआ था कि उसने जाके अपनी माँ को कत्ल कर दिया और उसका छीना चीर के उसमें से दिल निकाल के। तो मेरी वालदा फरमाया करती थी कि जब वो अपनी माँ का दिल अपने हाथ में लेके आ रहा था तो रास्ते में उसको एक जगह ठोकर लगी और वो गिर पड़ा, और ठोकर लगने पर उस दिल में से आवाज़ आई बिस्मिल्लाह। मेरी माँ की मोहब्बत का ये हाल था कि बेटे ने उसे कत्ल किया और उसका दिल लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी बेटे को ठोकर लगती है तो माँ के दिल से आवाज आती है बिस्मिल्लाह। तो माँ की मोहब्बत अपनी औलाद के साथ ऐसी गहरी होती है, इसीलिए पहले वक्तों में जब कोई बच्चा गिर जाता था ना, तो माँ देखते ही पड़ती थी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह उस बच्चे को जख्म से बचा लिया करते थे। इसलिए आप गाड़ी में बैठे बिस्मिल्लाह, गाड़ी को स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह, गाड़ी चलाएं बिस्मिल्लाह, गाड़ी से नीचे उतरें बिस्मिल्लाह, खाना खाएं बिस्मिल्लाह, हर वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत ही डाल लें। अगर आपने ये अमल कर लिया कि हर काम को बिस्मिल्लाह से करेंगे, ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी और आपको बहुत सारी परेशानियों से अल्लाह निजात अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए इस अमल पर अमल पाबंदी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया आखरत की परेशानियों से निजात अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत सारे दोस्त अहबाब दूर करीब से आए हैं बैत की नीयत से, तो ये आजिज कलेमात पढ़ा देगा, आप सच्चे दिल के साथ पीछे पीछे पढ़ते जाइए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وَتَسْتِيكُمْ بِالْقَلْبِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ या अरहमर रहीमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो बताए हो चुके हैं, चंद मामूलात हैं जिनको बाकायदगी से करेंगे तो अल्लाह ताला दिल को मुनव्वर करेंगे। पहला अमल 100 मरतबा इस्तिगफार सुबह शाम पढ़ना, दूसरा अमल 100 मरतबा दुरूद शरीफ सुबह शाम पढ़ना, तीसरा अमल कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना करना, एक पारा पढ़े, आधा पारा पढ़े, एक पाव पढ़े, अगर मुश्किल हो तो सूरह यासीन रोज़ाना पढ़ लिया करें, मगर पढ़ा ज़रूर करें। चौथा अमल चलते फिरते हर वक्त दिल में अल्लाह को याद करना, हथकारवल दिल यारवल। और पांचवा अमल मुराकबा, जो इन सब का लुबाव और निचोड़ है। मुराकबे का तरीका बहुत आसान है, जब फारिग हों नमाज पढ़ के तो आँखों को बंद करके अल्लाह से लौ लगा के बैठ जाया करें और ये सोचा करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा है।
इंशाअल्लाह इन आमाल को करने से आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, आप खुद उसको महसूस करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। दुआ कर लीजिए। سبحان ربي العلى وهب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, سب گناہوں کو معاف فرما, دور قریب سے جتنے لوگ آئے ہیں جو مرادیں دل میں آئے ہیں اللہ سب کی مرادیں پوری فرما, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اللہ ہمارے ایک بہت قریبی مہربان دوست ہیں ان کی بیٹی بیمار ہے, چھوٹی بچی ہے, اللہ اس بچی کو شفائے کاملہ اجر مستمرہ نصیب فرما, اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما, کریم آقا جنہوں نے دعاؤں کے لیے خط لکھے, فون کیے, میسج کیے, اللہ سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرما, اللہ جو لوگ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان کی بھی نیک مرادیں پوری فرما, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, اور اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا, تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔